अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे और कराची के मनासिर आपको दिखाएंगे कि शाहिद खान अफरीदी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आई थिंक पहला टेस्ट मैच जीतना अच्छी बात है वेस्ट इंडीज की अपनी कंडीशन में, वो कंडीशन ऐसे कुछ ईजी भी नहीं है वेस्ट इंडीज की कंडीशन। दूसरे मैच में मैं समझता अपसेट इसलिए कि तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बॉलर्स ने थोड़ा सा रन ज्यादा दे दिए थे और कुछ अनलकी रहे हमारे बैट्समैन भी, लेकिन अपसेट था। आई थिंक इतनी बड़ी टीम हमारी माशाल्लाह, और आई थिंक वेस्ट इंडीज की टीम वो बड़े नाम एसेज बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन आई थिंक हो जाता है क्रिकेट में, लेकिन हारना नहीं चाहिए था। मैं नहीं, सेठी साहब आई थिंक मैं जो अपना डिसीजन था बहुत पहले ले चुका था, सेठी साहब मिलना चाह रहे थे, उनका मैंने शुक्रिया भी अदा किया और मेरे ख्याल में दो तीन चीज़ें उन्होंने सामने रखी, दिल मान नहीं रहा था इसलिए कि चीज़ें बहुत लेट हो जाती, जब लेट हो जाती तो मज़ा नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई वो मिसबाह उलग और यूनुस खान के लिए होने लगा, ये अच्छी बात है। मेरी बात मेरी नहीं थी इंशाल्लाह दो दिन के अंदर, कल या परसों आप लोगों के लिए सर के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी इंशाल्लाह कल या परसों इंशाल्लाह। और सिंध में ऑलरेडी पानी की अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 114 विलेजेस हमने कवर किए हैं पानी के हवाले से, इसके अलावा आरओ प्लांट का भी इंशाल्लाह प्लान हो, कल परसों मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पानी के हिसाब से इसलिए कि बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज ही नहीं है लोगों के पास, साफ पानी पियेंगे तो हॉस्पिटल की कमी हॉस्पिटल जाना नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल में कराची का मेरे ऊपर पहले हक था, लेकिन मैं खेला वहाँ से, कराची पला बड़ा हूँ, क्रिकेट शुरू की है यहाँ पे मैंने, लास्ट ईयर ही प्लान था मेरा कराची की तरफ से खेलने का, लेकिन कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें बीच में हो जाती हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन अपना कराची के साथ हूँ नंबर। क्या क्रिकेट मेरी इंशाल्लाह भी काउंटी सीजन के लिए जाऊंगा हैम्पशायर की तरफ से, उसके बाद बांग्लादेश लीग, फिर पीएसएल शुरू हो जाएगा या बिग बैश हो जाएगा, तो क्रिकेट आगे लीग काफ़ी है, लेकिन इस वक्त जो मेरी मेन जो इनिंग शुरू हुई है वो फाउंडेशन के हवाले से है, उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ में याद रखिएगा। कराची में बूम बूम आफरीदी तकरीब से खिताब कर रहे थे।